हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रद्युमन शर्मा में। तो यार, आज है मकर संक्रांति का त्यौहार और आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। और मैं बड़े दिनों के बाद आया हूँ इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज़ लेके। बहुत जने मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज़ लेके आओ, नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज़ लेके आओ, नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज़ लेके आओ। तो लो, आपका भाई आपके लिए लेके आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज़। अब मैंने आपके लिए इतना काम किया तो आपको भी मेरे लिए काम करना पड़ेगा कि प्लीज़ यार, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब आप सोचोगे कि मैं स्टार्टिंग में आपसे सब्सक्राइब करने को क्यों कह रहा हूँ, सब्सक्राइब क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि यार उसके पीछे रीज़न ये है कि अब जो आगे की वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल कॉन्टेंट वाली वीडियो होने वाली है। तो उसके बीच में मैं आपसे कहीं भी कुछ भी नहीं मांगने वाला, सिर्फ आपको अच्छा वैल्यूबल कॉन्टेंट देने वाला हूँ। वीडियो की क्वालिटी भले ही लो हो लेकिन कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ये मेरा विश्वास रखिए। तो एंड तक देखिए भाई की वीडियो को, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी प्यारी प्यारी बातें ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यार, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा जो सवाल हमारे को परेशान करते हैं कि हम अपने टीम कैसे बनाएं नेटवर्क मार्केटिंग में। जी हाँ, यही एक ऐसा सवाल है जो हमको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखता है हर बार, कि नेटवर्क मार्केटिंग में टीम कैसे बिल्डअप करें, टीम अच्छी बनाने के लिए क्या करें, टीम को अच्छी रखने के लिए क्या करें। तो आज आपका भाई आपको 4 पॉइंट ऐसे बताने वाला है जिससे कि आप अपनी टीम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना पाओगे और बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपनी टीम मेंबर्स पे अपनी वैल्यू को बिल्डअप कर पाओगे। ठीक है, आज की वीडियो इस टॉपिक पे नहीं होने वाली कि अपनी टीम को कैसे बढ़ाएं, आज की वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली कि अपने टीम को अच्छा कैसे बनाएं। ठीक है, तो फर्स्ट है, यू आर द रोल मॉडल ऑफ योर टीम। जी हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि एक बॉस होता है वो कैसा होता है, जो बैकवर्ड से अपनी टीम को लीड करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को आगे रखता है। बट एक लीडर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, एक लीडर हमेशा एक अपनी फ्रंट से जो है वो अपनी टीम को लीड करता है। जी हाँ बिल्कुल। तो इसलिए लीडर को ये समझना चाहिए कि उसको एक अच्छी छवि यानी कि एक अच्छा इम्प्रेशन जो है वो अपने टीम मेट्स के साथ रखना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एक बात आज भी याद है कि लीडर जैसा जैसा करेगा फॉलोवर वैसा वैसा करेगा, लीडर जैसा जैसा करेगा फॉलोवर वैसा वैसा करेगा, लीडर जैसा जैसा करेगा फॉलोवर वैसा वैसा करेगा। आप किसी को ऑर्डर दोगे तो वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला, वो आपको नेगलेक्ट कर देगा। जी हाँ बिल्कुल। तो अपने टीम के रोल मॉडल बनो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपनी टीम के रोल मॉडल कैसे बन सकते हो, तो याद करो यार वो टाइम, वो बार, मतलब वो पल याद करो जब आपने किसी को अपना रोल मॉडल माना था। आपने क्या देखा था उसके अंदर, आपने ऐसा मतलब क्यों उसको, किसी इंसान को एज ए रोल मॉडल माना था। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी होगी तो कोई इंसान आपको अपना रोल मॉडल मानेगा। तो पहले अपने अंदर उस क्वालिटी को बिल्डअप करो और फिर जाके किसी के लिए रोल मॉडल बनो। ये आपको पता चलेगा आगे आने वाले पॉइंट्स में। जी हाँ, आगे आने वाला पॉइंट्स ये है कि मेक स्मॉल गोल्स। बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो बड़े बड़े गोल्स को बना लेते हैं, फिर उसको डिफेट करने की सोचते हैं, और जब वो डिफेट नहीं कर पाते अपने गोल्स को तो वो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और डीमोटिवेट होकर फिर से डाउन आ जाते हैं। बट जब आप छोटे छोटे गोल्स बनाओगे, आपको पता है छोटे छोटे गोल्स बनाने की पावर कितनी है, बहुत पावर है यार। जब आप छोटे छोटे गोल्स बना के शुरुआत करोगे ना, और जब आप उनको पूरा 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 करते चले जाओगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं ग्रो हो रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। ये आप महसूस करोगे जब आप छोटे छोटे गोल्स बना के उनको डिफीट करोगे। तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, इतने भारी भयंकर गोल्स मत बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उनको डिफीट करो। ठीक है, उसके बाद में कहीं जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अपने ऊपर अच्छा, तो उसके बाद में कहीं जाके जो है वो बड़े बड़े गोल्स को डिफीट करने की सोचना। फिर थर्ड है, सेलिब्रेट योर एवरी स्मॉल मोमेंट। जी हाँ, हम लोग यही बहुत बड़ी गलती करते थे कि अरे यार अभी तो क्या ही किया है हमने नेटवर्क मार्केटिंग में, अभी बहुत बड़ा काम करेंगे, उस दिन ये करेंगे वो करेंगे, अरे छोड़ो यार मेरे भाई,
जो पल जितना भी आपने अचीवमेंट किया है ना, उसको जो है वो सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करने से पता है क्या होगा, सेलिब्रेट करने से आपके टीम मेंबर्स को ये पता लगेगा कि आपको अपने काम से कितना प्यार है। सेलिब्रेशन इसीलिए नहीं किया जाता कि आपने इस सक्सेस को पा लिया है, नहीं मेरे दोस्त या मेरे भाई, आप जो भी कह लो। सेलिब्रेट हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये चीज पता होती है कि हमें अपने काम से कितना प्यार है, और सामने वाले को भी कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज होती है या फील होती है कि हाँ वाकई इस बंदे को अपने प्यार काम है। और आप जब अपने काम में इंटरेस्ट दिखाओगे तभी आपकी टीम जो है वो अपने काम में इंटरेस्ट दिखाएगी। तो हमेशा जो है वो अपनी छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखो, ठीक है। और फोर्थ है डुप्लीकेशन। जी हाँ, अगर आपने इन तीन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया है तो आपका ये चौथा पॉइंट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आप इन तीन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लोगे तब आपका जो चौथा पॉइंट है वो अपने आप ही पूरा हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की या घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डाउनलाइन आपकी मीटिंग में आपको तैयार मिलेगा। तो बस यही पावर है ऊपर के तीन पॉइंट्स की, और चौथा पॉइंट है डुप्लीकेशन, जो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इन तीन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करोगे तब आपको चौथा पॉइंट आपका पूरा अपने आप हो जाएगा। तो मेरी यहीं तक थी मेरी वीडियो, मैं प्रद्युमन शर्मा नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। वापस बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बेल आइकन